हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सुनीता कालरा और मेरे चैनल सुनीता कालरा आर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे केरी का मुरब्बा। उसके लिए हम केरी ले लेंगे और इसको हम छील लेंगे। इस प्रकार हम सारी केरी को छील लेंगे। ये सारी केरियाँ हमने छील कर साफ कर ली है। अब हम इसके गुठली को हटाकर इसका जो गुदा है उसको अलग कर लेंगे। ये इस प्रकार से हमने सारा गुदा हटा लिया है, गुठली हटाकर। अब हम इस सारे गुदे को मिक्सर में पीस लेंगे। धीरे धीरे करके सारा गुदा हम मिक्सर में पीस कर तैयार कर लेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। इस प्रकार हम सारे गुदे को मिक्सर में पीस लेंगे। ये चटनी मुरब्बा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, एक बार आप ज़रूर बनाएं। ये सारा हमने पीस कर तैयार कर लिया है केरी को, और किसी पैन में हम धीमी आंच पर इसको डाल देंगे। और चीनी, सौंफ और हींग, इन तीनों को भी हम इसमें डाल देंगे। एक कटोरी चीनी पीसी हुई, आंच को हम धीमा ही रखेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे सफ़ेद वाला, एक चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंच को तेज कर लेंगे क्योंकि चीनी का जो लिक्विड है वो बन जाएगा। अब हम इसमें कसूरी मेथी एक चम्मच भरकर डाल देंगे और साथ में डालेंगे एक गुड़ की ढेली। इसको भी हम पिघलने देंगे। ये अच्छी तरह से पिघलकर इस तरह से तैयार हो जाएगी। लीजिए, तैयार है केरी का मुरब्बा। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, बहुत ही शानदार। एक बार ज़रूर बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।